नमस्कार भक्तजनों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो चुका है। ब्लॉग शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था, आज मेरे ब्लॉग को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। पिछले विक्रम संवत 2080 में मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और उस दिन संयोग ये था कि उस दिन भी नवरात्रि ही थी। कभी 1 वर्ष पूर्ण हो चुका ब्लॉग बनाते बनाते। और दोस्तों मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आपका प्रेम मिल रहा है। ये प्रेम ये सपोर्ट बना के रखिए, धन्यवाद। और दोस्तों पिछले वर्ष का जो ब्लॉग था उसकी कुछ कड़ियाँ मैं लाया हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों देखिए ये हैं हमारे अमित गंगुला जी और कुछ अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, जरा इनकी बात सुनिए। पहले आप सभी को विक्रम संवत 2080 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं। मैं अमित गंगोला आपके इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद नैनीताल के ग्राम पंचायत सरणी में। देवी के इस मंदिर में आज हम प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, काफी खुशी महसूस हो रही है। और आज मैं फर्स्ट टाइम अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। एक संयोग देखिए, जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो आज नवरात्रि का पावन पर्व है और माँ के दरबार में हम उपस्थित हैं मनीष दा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र शुरू हो चुका है, पहला नवरात्र है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं मंदिर, आइए आप भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के ही समीप स्थित भूमिया देवी मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई भक्तगण श्रद्धालु आए हुए हैं माँ शैलपुत्री की आराधना करने। आज माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। भक्तों मंदिर पहुंचकर हमने माँ कोट ब्राह्मरी की आराधना की, उनकी पूजा पाठ किया, आनंद आया। हालांकि दोस्तों हमें पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 12-1 बज गया था। उसके बावजूद वहां भक्तों की कोई कमी नहीं थी। आप ये जलते हुए दिए देख सकते हैं, ये दिए साक्षी हैं उन भक्तों की आस्था का। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। तो नवरात्रे शुरू होने के साथ ही नया वर्ष नया संवत्सर शुरू हो गया है, जिसके बाद हमने मंदिर पहुँच के पाठ कराया एवं उसके बाद पंडित जी ने सभी जो वहाँ लोग उपस्थित थे वहाँ उनको सबको पंचांग सुना रहे थे, सबकी राशियों के बारे में बता रहे थे। होगा नहीं तो बायां पैर जो है जिनका आद्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुण्य नक्षत्र है, उनको जो है बायां पांव पे दिया। तो राशि में अब राशि तो इसी के पत्ते लगो बाबिया, जो मतलब बायां पैर आद्रा पुनर्वसु पुण्य नक्षत्र जिसको याद है तो तभी बायां पांव का पता लग पाएगा है। नाम से जिनका नाम क्या क्या आएंगे मैं बता दूंगा। हाँ, जय को बनामाल, जय घो बनामाल, जय डो बनामाल, डो जय छो बनामाल, जय फिर को बैजाल, कोमल कोमल है, कोमल नाम का है, हंसा है, हंसी है, हेम है और दिगंबर है, उनको जो है बाया पांव पे ले आओ। इन नाम दाव वाले राशि को है मकर राशि वालों को पैटो छुपे हाँ, मकर राशि वालों को पैटी है, मकर राशि वाला मकर राशि मकर सिंह मकर राशि नाम के जो नाम बताओ मेरे पहले कौसे खड़क सिंह खी खड़क सिंह हृदय में गया धन लाभ सम्मान अच्छा है। दोस्तों पाठ कराने के बाद पंडित जी ने सभी को वहाँ रक्षा तागा बाधा। भक्तजनों इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग की एंडिंग, आशा करता हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे
अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। तब तक रखें अपना ख्याल। जय माता दी, जय माता दी।